इंट्रोडक्शन पैरा ऑलरेडी तुहानू मन जिते जगजीत विच कराया ते अज दा अपना लेख है मिठत नीवी नानका गुंचगिया तत्। जिवें मन जिते जगजीत गुरु नानक देव जी की रची हुई तुक है उसे तरह ही मिठत नीवी नानका गुंचगिया तत् तुक भी गुरु नानक देव जी की रची हुई है। एक पूरा शब्द है उहदे ते एंड ते आउंदी है लाइन। पहले शब्द सुनो, सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच। के सिमल दे रुख नू देख के ना पंछी आस करके आंदे ने, ओए जे आवे आस कर जाए निराशे कित पर निराश होके चले जांदे ने। क्यों? फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवे पत। फल की ने फिक्के ने, फुल की ने बक बके बेसवादे ने, ते पत्ते भी किसे कम नहीं आंदे। फिर एंड ते क्या मिठत नीवी नानका गुंज गया तत्। कहिंदे जिवें सिमल दा रुख, हुण दिसो किवें किहड़ा दृष्टांत दित्ता, एक सिमल दे रुख दा दृष्टांत दित्ता इस तुक नूं समझाउण लई। इस तुक नूं समझाउण लई किहदी एग्जाम्पल दित्ती आ? सिमल दे रुख दी। देखण नूं उच्चा लंबा मोटा है, जिहदे वल आकर्षित हो के उहदी उपरली दिख नूं देख के पंछी दौड़े आउंदे ने कि इत्थों कुछ प्राप्त होएगा, पर निराश होके चले जाते हैं क्योंकि इहदे फल ते फुल बेस्वादे ते रस तो रहत नहीं, बक बके ने जिन्हां दा कोई स्वाद नहीं है, मिठास नहीं है। और पत्ते भी किसे कम नहीं आउंदे, कम ना आवे पत। इसे तरह इंसान है, जिहड़ा इंसान देखण नूं सोहना है, बहुत उच्चा लंबा है, पर जेकर उसकी बोल बाणी माड़ी है ना, जेकर वह कुरखत बोलता है, हर एक दे नाल उसका बिहेवियर बड़ा ही रूड है, किसी की रिस्पैक्ट नहीं करता, रुखे शब्द बोलता है, तो एक सिमल दे रुख की तरह है। और जिहड़ी देखण नूं सोहनापन है ना, वह किसे कम का नहीं। इंसान अपनी बोली तो पछाणिया जाता है। किसी विद्वान ने किसी लेखक ने कहा, जेकर मूह शरीर का चित्र है ना, तो बोली साड़ी आत्मा का चित्र है। आत्मा का चित्र है, साड़ी आत्मा पछानी जानी है कि साड़े अंदर की चल रहा है। नोट कर लो ये भी वर्ड, जेकर मूह साड़े शरीर का चित्र है, जितों पता चलता है कि साड़ा शरीर कहो जिहा, साड़े फीचर्स कहो जिहे ने, ठीक है, शरीर का अंग है मूह, तो बोली की है साड़ी आत्मा का हिस्सा। इंसान अपनी बोली तो पछाणिया जांदा है। इस जिंदगी दे विच, इस संसार विच विचरदियां वो अपने लफ्जां दे नोट ते सिक्के चलांदा है। केड़े लफ्जां? लफ्जां रूपी सिक्के ते नोट नाल जिंदगी दी मंडी विच तुरिया फिरदा है इंसान। ते ज्यो ज्यो दे लफ्ज होणगे, ओए जाई ओह दूसरियां ते की पाएगा प्रभाव पाएगा। इस दे लई गुरु नानक देव जी ने मिठास ते निम्रता धारण करन ते जोर दिता है। ते विद्यार्थी जीवन विच जदो बच्चे सिलेबस च पढ़ते ने, उन्हां बच्चों च भी गुस्सा दूर होएगा, हंकार की भावना नूं दूर करना है। जिथे मैं आ गई लिसन, जिथे मैं शब्द आ गया कि मैं कुछ किया, मैं सब तो सियाणा, उत्थे मिठास ते निम्रता नहीं आ सकती। मैं समझा लगी, इंट्रोडक्शन पैरा। मनुख इस संसार विच सब तो श्रेष्ठ जीव, तुसी लिखिया होया उच इक लाइन की चेंज करनी आ। मनुख इस संसार विच सब तो अनमोल दात है, पर उस संसार विच आके दुनियावी पदार्थां दी दौड़ विच अजिहा मस्त हो गया, अजिहा गलतान हो गया, उलझ गया कि जिंदगी दे असली मकसद नूं भुल गया कि जिंदगी विच विचरदियां दुनिया विच आके मोह माया विच फस के वह हर एक नाल बोलना ही भुल गया, तहजीब लियाकत भुल गया, वह इस गल नूं भुल गया। एक पिता एक स्केहम बारे, इत्थे कोटेशन लिखो, एक पिता एक स्केहम बारे, एक पिता एक स्के
हम बारे इस तुकदार वो लिखो तुकदार मिठत नीवी नानका गुंच गया तत् वर्ड लिख के ए तुक गुरु नानक देव जी की उचारी हुई है। ए तुक गुरु नानक देव जी की उचारी हुई है जो के गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध बाणी आसा दी वार विचों ले गई है। आसा दी वार विचों ले गई है शब्द है मॉर्निंग च कीर्तन हुंदा आसा दी वार दा दरबार साहब तो यह शब्द रोज पढ़िया जाता है। यह शब्द यह तुक गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध बाणी आसा दी वार विचों ले गई है जिसका अर्थ है परमात्मा दी सच्ची खुशी हासिल करन लई परमात्मा दी दरगाह विच परवान होन लई मिठास ते निम्रता धारण करना सब तो उत्तम गुण है चंगा गुण है। परमात्मा दी दरगाह विच परवान होन लई परमात्मा दी सच्ची खुशी हासिल करन लई परमात्मा दी सच्ची खुशी हासिल करन लई दुनिया ते जित हासिल कर ली जिवें मन जीते जगजीत से मन जीते जगजीत वाली लाइना भी इहदे च आणियां क्योंकि जिहदियां लालसावां वधन गियां जिहदियां इच्छावां वधन गियां उहदे अंदर हंकार भी आएगा। इस तुक दा अर्थ है परमात्मा दी सच्ची खुशी हासिल करन लई परमात्मा दी दरगाह विच परवान होन लई मिठास ते निम्रता धारण करना। यस बेटे मिठास ते निम्रता मिठास एदा मतलब है मिठास एदा मतलब है निम्रता मिठास ते निम्रता धारण करना सब तो चंगा गुण है उत्तम गुण है। परमात्मा दी सच्ची खुशी हासिल करन लई परमात्मा दी परवानगी हासिल करन लई रब दी दरगाह विच परवान होन लई रब दी दरगाह विच इज्जत मान हासिल करन लई मिठास ते निम्रता सब तो चंगा गुण है। हुण पहले तो समझो कि मिठास ओपोजिट ओपोजिट की हुंदा कुड़कता मीन्स कौड़ा बोलना निम्रता का ओपोजिट की होंगे आकड़ हंकार करना। ठीक है समझ आ गई। पर जेकर असी संसार दे विच वड़ियाई हासिल करनी है जो कि इंसान दुनिया तो कूच करता है सारे कहन कि किन्ना वधिया इंसान सी किन्ना नेक इंसान सी सब नाल मिठा बोलता सी सब नाल मिठा बोलता सी वड़ियाई हासिल करन लई वड़ियाई हासिल करन लई परमात्मा दी सच्ची खुशी हासिल कर लई मिठास ते निम्रता वर्गा होर कोई गुण नहीं। अगे लिखो नेक्स्ट नहीं बेटे एदे नाल ही लिखो इस तुक राही गुरु जी ने गुरु नानक देव जी ने इस तुक राही एदे विच इक लाइन होर लिखो इस तुक राही गुरु नानक देव जी ने मनुख नूं जां संसारक जीव नूं नैतिक गुण सदाचारक गुण अपनाउण ते जोर दित्ता। सदाचारक गुण अपनी जिंदगी विच अपनाउण ते जोर दित्ता। सदाचारक मीन्स बेटे समझो मोरल वैल्यू नैतिक गुणा नूं अपनाउण ते जोर दित्ता। नेक्स्ट लिखो मिठे ते कौड़े बोलां दा असर अगला टाइटल कौड़े बोलां दा असर। मिठे ते कौड़े बोलां दा असर
बेटे पहला इंट्रोडक्शन पैरा सबने लिख लिया सेम जो मंजी ते जती फिर है तुक दा अर्थ फिर है मिठास ते निमरता दा कुड़त्तन दा असर की हुंदा फिर मिठास धारण करते जोर देना लिखो बेटे एथे कोटेशन लिखो पहले नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए आ असर है ए लाइन ते तन पैरा स्टार्ट करन तो पहला कोटेशन लिखो नानक फिक्का बोलिए एथे कोटेशन लिखो नानक नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए पैरा स्टार्ट करन तो पहला कोटेशन लिखो नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए फिक्को फिक्का सदिए फिक्को फिक्की सोए चलो इको ही लाइन लिख लो सफिशेंट है तुहाडे लई ठीक है नानक फिक्का बोलिए फिक्का का मतलब बेटे घोड़ा रुखा जेकर असी जेकर असी माड़ा बोलते हाँ इस तुक का भाव है जेकर असी माड़ा बोलते हाँ किसी दे नाल कुरखत बोलते हाँ कोड़े बोल बोलते हाँ उहदा असर साढ़े तन ते मन ते हुंदा है असी तन तो भी रोगी मन तो भी रोगी हो जाने इस तुक का भाव है तन मन फिक्का होए नानक फिक्का बोली है तन मन फिक्का होए हुण इहदे विच लिखो इन्हां सत्रां दा अर्थ है कि पैरे दे विच बेटे मिठे दे कोड़े बोलां दा असर मिठे ते कोड़े बोलां दे असर विच लिखो इस तुक दा असर है इत्थे तुक लिखनी है नानक फिक्का बोलीए तन मन फिक्का होए इस तुक दा भाव है कि जेकर असी किसे नाल सिंपल लैंग्वेज अपने आप बनाओ इहदा ले जेकर असी किसे नाल माड़ा बोलते हाँ कुरखत बोलते हाँ किसे नूं बुरा भला कहिंदे हाँ उह बोलां दा असर उह अजे बोलां दा असर ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्योंकि निम्रता चंगा बोलन वाला चंगे गुणा का धारनी हुंदा है क्योंकि मिठास ते निम्रता ही अजिहा चंगा गुण है जो जीवन दी मिठास ते निम्रता ही चंगे गुणा दी नी है मिठास ते निम्रता ही चंगे गुणा दी नी है फाउंडेशन जिन्हों कहंदे ने चंगे गुणा वाला चंगे गुणा दा धारनी होने पड़ता है सारे सदाचार गुणा दा धारनी हुंदा है निम्रता ते मिठास चंगे गुणा दी पक्की नी है पक्की नी है कोड़ा बोलन वाला इंसान दी अपनी सोच कोड़ा बोलन वाले दी अपनी सोच भी अजि माड़ी हुंदी है अपनी सोच अजि माड़ी हुंदी है जिस कारण
आप तो खिजू सुभा वाला हुंदा है ते दूसरे नाल भी खिज के बोलता है, गुस्से नाल बोलता है। फिर सियाने कहंदे हन, सियाने आखदे हन, इत्थे इक अखाण लिखो, इक अखाण लिखो इत्थे। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ ਲੇਖ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਫੱਟ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੀਰ ਕਮਾਨੋ ਲਿਸਨ, ਤੀਰ ਕਮਾਨੋ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, तलवार का फट तो चले जाता है, सियाने आखते हैं। तलवार का फट तो भर जाता है, भर जाता है, पर जुबान का फट नहीं जाता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਰ ਕਮਾਨੋ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੋ ਇਸੇ ਪੈਰੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨੋ, तीर कमानो, कमान तो तीर निकलता बेटे। तीर कमानो ते गल जुबानो निकले वापस नहीं आंदे, ते गल जुबानो निकले वापस नहीं आंदे। जुबानो निकली वापस नहीं आंदे। नेक्स्ट, मिठा बोलना जा निम्रता धारण करना अहम गुण। अगला हैडिंग दो, निम्रता सब तो उत्तम गुण, जा मिठास सब तो उत्तम गुण। अगला हैडिंग, लेसन जड़े बच्चे लेख करते हुए, लेख करते हुए अननेसेसरी बोल रहे हैं ना, मीन्स आप सियाने कहते हैं कि जे बोलना ना आंदा वे चुप वर्गी कोई चीज नहीं, साइलेंस इज गोल्ड, क्या चुप सुनहरी बोल रुपैरी, रुपैरी का मतलब बोलना माड़ा है। इत्थे एक कुकनेशन लिखो, चुप सुनहरी बोल रुपैरी, एक चुप सौ सुख लेख विच भी आना। बेटे लिसन, जदों तुसी एक गुरबाणी दी तुक दे आधारे एक लेख करदे ना, उहदे नाल सारे लेख को रिलेट करदे ने। गुरु नानक देव जी मिठास ते निम्रता नूं, हां जी इहदे विच लिखो, गुरु नानक देव जी मिठास ते निम्रता नूं सब तो चंगा गुण मनदे हन, सब तो चंगा गुण मनदे हन। मिठा बोलन वाला व्यक्ति, मिठा बोलन वाला व्यक्ति, मिठा बोलन वाला व्यक्ति, निम्रता नाल रहन वाला व्यक्ति, नीवे रहन वाला व्यक्ति जिंदगी च कदे धोखा नहीं खांदा। गुरु नानक देव जी मिठास ते निम्रता नूं सब तो चंगा गुण मनदे हन। मिठा ते निम्रता धारण करने वाला व्यक्ति सतिकार हासिल करता है, हर पासे सतिकार दा भागी बनता है, जां सतिकार हासिल करता है, मान इज्जत हासिल करता है। गुरु साहिब ने, भाई गुरदास जी ने, गुरु साहिब ते भाई गुरदास जी एक गुरु ग्रंथ साहिब दे लिखारी होए ने, उन्होंने अपनी वारा विच भी ना ये वार भाई गुरदास जी की लिखी हुई है कि उन्होंने हंकारी व्यक्ति की तुलना अग नाल
ਤੇ ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਰੁੜਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਉਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਵੇਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਯੈਸ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲੀ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੁੱਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕੜੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੋ ਸੁੱਖ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹੇ ਨਾ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲਤ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕੜੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਾ ਪੱਲੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ ਹੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ
गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि निम्रता ते मिठास से राह वेच बहुत वड्डी रुकावट, बहुत वड्डी रुकावट हंकार करना है। हंकार सब तो वड्डा अवगुण है, ये हैडिंग है बेटे। हंकार सब तो वड्डा अवगुण है, जा होमे सब तो वड्डा अवगुण है। हंकार सब तो वड्डा अवगुण है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे। कोटेशन लिखो बच्चे, होमे दीर्घ रोग है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे। ये भी गुरबाणी दी तुक है, गुरबाणी दी तुक है कि जे हंकार, हंकार करना वड्डा अवगुण है, ता इहदा इलाज भी इहदे विच ही है। दारू भी इस माहे। निम्रता ते मिठास दे राह विच बहुत वड्डी रुकावट हंकार करना। हंकार नूं मार के, होमे नूं मार के मन दा निर्माण करन दा यतन करना। हंकार नूं मार के, हंकार नूं मार के मन नूं, मन दा निर्माण करन दा यतन कीता जावे। हंकार नूं किवें मारिया जांदा पता है तुहानूं? मन जीते जगजीत कीता अपनी लालसावां नूं मार के, इच्छावां नूं मार के मन दा निर्माण करन दा यतन कीता जावे। कुड़त्तन, कुड़त्तन स्वैमान, कुड़त्तन स्वैमान, कुड़त्तन स्वैमान ईर्खा, ये सब हंकार तो ही पैदा होते हैं। कुड़त्तन, देखो हंकार किड्डा वड्डा अवगुण है, उहदे चों की पैदा होंदा है। कुड़त्तन स्वैमान ईर्खा, ईर्खा क्रोध गुस्सा सब हंकार तो ही पैदा होते ने कि मैं सियाणा, जिहदे विच मैं दी भावना आ गई, मैं तो पैदा होंदे आ। जिथे मैं है उत्थे तू नहीं, तू मीन्स परमात्मा नहीं, मैं मतलब अहंकार कि मैं ही मैं आ। मैं किता किते सेवा कराई है तो मैं किती, किसे दी मदद किती है तो मैं किती, नहीं। गुरु नानक देव जी कहंदे होंदे जे कोई किसे दे मददगार बंदा ना, तो मत समझी, ये मत समझी कि तू मदद किती है, तेनू रब ने जरिया बनाया है। ठीक है, हंकार तो पैदा होंदे हन। इस लई अपने पंज विकार, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, जेड़े इंसान दे पंज बैरी ने, इस लई काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंज विकार इंसान दे पंज बैरी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा त्याग करके, त्याग करके अहंकार ते काबू पाया जा सकता है। जेड़े पंज विकार हन इन्हां दा त्याग करके अहंकार ते काबू पाया जा सकता है। इसे लई ते निम्रता धारण कर ली बड़ी घालना घालन दी लोड़ है। ठीक है, लास्ट पैरा करांगे, फिर की कंक्लूजन होना है? सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। कल दी क्लास कंक्लूजन करांगे बेटे, सिट्टा की निकलिया। थैंक यू सो मच।